पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन होने जा रहा है वो उसकी क्या सूरत है और कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आने वाले दिनों में आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी जब लास्ट इलेक्शन हम गोरखपुर और नूरपुर और फूलपुर हम लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट से लड़े थे और रिजल्ट बेहतर हुआ था। और ये दोनों की चूंकि आइडियोलॉजी एक ही है, हम लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय दिलाना है समाज में, वो भी सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों का मकसद एक है कि समाज में कैसे सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना है, सामाजिक न्याय दिलाना है लोगों को। सीटों पे बंटवारे का कोई तय हुआ है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि अभी चूंकि मकसद एक ही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया है। इसके तहत पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरे नंबर पर रही सीटों पर ही सपा और बसपा चुनाव लड़ेंगी। सपा के खाते में इस तरह 31 सीटें आ रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 34, बाकी सीटें अन्य दलों को दी जा सकती हैं। ईटीवी के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।